नमस्कार, मैं हूं देव जी और आप देख रहे हैं सॉफ्ट म्यूजिक थ्योरी। इस वीडियो में हम शॉर्ट में जानेंगे कुछ परिभाषिक शब्दों को। छंद, काव्य की अभिव्यक्ति करते समय जब किसी पद्य रचना को एक विशेष क्रम में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे उस विशेष क्रम को छंद कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में वार्णिक और मात्रिक दो प्रकार के छंद बताए गए हैं। छाया लग राग, जिस राग में किसी दूसरे राग की छाया पड़ती है उसे छाया लग राग कहते हैं। छूट, गायन वादन और नृत्य में जब जानबूझकर अंतर रखा जाता है तो उसे छूट कहा जाता है। जमजमा, दो स्वरों को बार बार गाने और बजाने की क्रिया को जमजमा कहते हैं। जर्ब, सितार और सरोद में दा रा दिर दा दिर दा आदि बोलों को उर्दू भाषा में जर्ब कहते हैं। जवारी, तार वाद्यों के ऊपर तार रखने के लिए एक हड्डी की बनी हुई चौकोण छोटी चौकी होती है, उसे ही जवारी या जवाड़ी कहा जाता है। जिह्वा, तानपुरे के तारों में गूंज उत्पन्न करने के लिए तारों के नीचे साधारण ऊनी तथा रेशमी धागे का प्रयोग किया जाता है, इस धागे को ही जिह्वा कहा जाता है। जुगलबंदी, जब एक साथ दो कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो इसे जुगलबंदी कहा जाता है। जोड़, सितार में विलंबित आलाप के बाद मध्य लय में प्रवेश करते समय आलाप को क्रमबद्ध करने की क्रिया को जोड़ कहते हैं। जोड़ी के तार, तानपुरे में दूसरे और तीसरे तार को जोड़ी का तार कहा जाता है, ये षड्ज स्वर से मिलाए जाते हैं। झटका, कण युक्त स्वरों को जोर देकर गाने या बजाने को झटका कहा जाता है। झांझ, बड़े आकार के कांसे की करताल को झांझ कहा जाता है, इसका प्रयोग भजन और कीर्तन में होता है। झाला, झनकार के साथ स्वरों को द्रुत गति में बजाना झाला कहलाता है। झाला और ठोंक, इसके दो प्रकार हैं। टीप, तार सप्तक के षड्ज को साधारणतः कलाकार टीप सा कहते हैं। ठोंक, झाला वादन के एक विशेष प्रकार को ठोंक कहा जाता है। डिमडिम, डमरू से उत्पन्न ध्वनि को डिमडिम कहते हैं। ढाढ़ी, व्यवसायी गायिका एवं नर्तकी के परिवार के पुरुष सदस्यों को ढाढ़ी कहा जाता है। धीमा लय, मध्य लय को धीमा लय कहा जाता है। तत्कार, नृत्य में पैरों का संचालन एक विशेषता रही है, पैरों के संचालन के लिए जिन एक मात्रा वाले बोलों का नृत्य में प्रयोग किया जाता है उन बोलों के समूह को तत्कार कहते हैं, जैसे कि ता थै थै तत्, ता थै थै तत्, आ थै थै तत्, ता थै थै तत्। तरब, यानी कि तरब की तारें, सितार, सारंगी, इसराज आदि वाद्यों में मुख्य तारों के अलावा जो सहायक तारें लगी होती हैं उन्हें तरब की तारें कहते हैं। तंत्र, तारों से युक्त वाद्य यंत्रों को ही तंत्र कहा जाता है। तंत्रकार, तार वाद्यों के वादकों को तंत्रकार कहा जाता है। तंत्रकारी, तार वाद्य को बजाने की प्रणाली, नियम, चाल आदि तंत्रकारी कहलाती है। तंत्री, तार वाद्यों में प्रयुक्त तार को तंत्री कहते हैं। तालज्ञ, जो व्यक्ति ताल का पूर्ण ज्ञान रखता है उसे तालज्ञ कहा जाता है। तालग्रह, ताल के उठाव को तालग्रह कहा जाता है। तालग्रह पहली मात्रा पर माना जाता है जिसे सम कहते हैं। तुक, गायन और वादन के अलग अलग भागों को तुक कहा जाता है, इसे कली भी कहा जाता है। तोड़ा, सितार के बोल युक्त तान को तोड़ा कहा जाता है, तोड़ा तंत्री वाद्यों पर बजाया जाता है। ठाह, विलंबित लय को ही ठाह कहा जाता है।
थे ही। नृत्य करते समय पैरों से विभिन्न प्रकार के बोल उत्पन्न किए जाते हैं। जब दाएं पैर के पंजे से बोल उत्पन्न किया जाता है तो इसे थेई कहा जाता है। थाप, तबला और मृदंग पर दाहिने हाथ की सभी उंगलियों से खुला बजाने को थाप कहा जाता है। द्वयानुगम, कंठ संगीत यानी कि गायन और नृत्य का अनुसरण करने योग्य वाद्य यंत्र को शास्त्रकारों ने द्वयानुगम कहा है। नवाज, कुशल और निपुण वादकों को मुस्लिम संगीतज्ञ नवाज कहकर बुलाते हैं, जैसे सितार नवाज, तबला नवाज आदि। नाच, अंग प्रत्यंग और पद संचालन द्वारा मनोभावों को व्यक्त करना ही नाच कहलाता है। नाच के लिए उत्तम वेशभूषा और आभूषणों की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर इसे हम साधारण शब्दों में कहेंगे तो नृत्य करना ही नाच है। नाट, अभिनय के ऐसे पात्र जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी नाट्य ही किया है उन्हें नाट कहा जाता है। नाट्य, अभिनय क्रिया को ही नाट्य कहा जाता है। नाट्य अथवा अभिनय के चार भेद हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। इस वीडियो में इतना ही। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।